आज दिवाली है और दिवाली के शुभ अवसर पर गुल्ली बुली ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया है। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडल और दिए भी लगाए हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमने तो अपने घर पर लक्ष्मी पूजा कर ली और बाबा ने कहा था कि अपने घर की पूजा खत्म करके तुम लोग सीधा मेरे घर आ जाना, फिर हम लोग सब यहीं साथ में दिवाली मनाएंगे। बुल्ली कहता है, हाँ हाँ गुल्ली मुझे पता है, लेकिन बाबा के घर जाने से पहले हमें पटाखे लेने जाना होगा। कहीं पिछले साल की तरह इस साल भी सारे पटाखे खत्म हो गए ना, तो हम लोग पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली चलो जल्दी पटाखे की दुकान, इससे पहले कि सारे पटाखे खत्म हो जाएं। गुल्ली बुल्ली दोनों जीप में बैठकर पटाखे की मार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, क्या तुमको पता है बुल्ली दिवाली में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। बुल्ली कहता है, दिवाली में तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये मुझे कैसे पता होगा गुल्ली, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। तभी गुल्ली कहता है, इतना नहीं जानते बुद्धू, पटाखे फोड़ना और मिठाई खाना और क्या। गुल्ली बुल्ली पटाखे की मार्केट पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो पटाखे के साथ साथ बच्चों के खिलौने और कैंडल्स भी बिक रहे हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली हम इस फंटू संकल की दुकान से ही पटाखे खरीदेंगे। गुल्ली बुल्ली फंटू संकल की दुकान पर जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, हैप्पी दिवाली फंटू संकल। फंटू संकल कहते हैं, तुम लोग आ गए गुल्ली बुल्ली, इस बार मैंने बहुत ही कम पटाखे बेचे हैं, क्योंकि पिछले साल तुम लोगों को पटाखे नहीं मिल पाए थे, इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा था। अब चलो छोड़ो इन बातों को और बताओ क्या क्या दे दूं। तभी बुल्ली कहता है, एक काम कीजिए फंटू संकल, आप ये सारे पटाखे पैक कर दीजिए और पैसा बाबा से ले लेना। अरे ये क्या, बुल्ली बुल्ली ने तो फंटू संकल की लगभग सारी पटाखे खरीद लिए। बुल्ली बुल्ली सारे पटाखे को पैक करवा के जीप में रख लेते हैं और बाबा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली कहता है, तुमने इतने सारे पटाखे क्यों खरीद लिए बुल्ली, बाबा गुस्सा करेंगे। बुल्ली कहता है, तुम डरो मत गुल्ली, तुम सिर्फ अनार और चक्री जलाना, बाकी सारे पटाखे मैं फोड़ लूंगा। गुल्ली बुल्ली पटाखे लेकर बाबा के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो रोड चुन्नी और सोन पहले से ही बाबा के घर आ चुके हैं और मस्त डांस कर रहे हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा कहाँ हैं? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। गुल्ली कहता है, वो देखो बुल्ली बाबा वहाँ सामने हैं। अरे ये क्या, बाबा तो टेंशन में लग रहे हैं, लगता है गुल्ली बुल्ली के लेट से आने की बात से गुस्सा है। बाबा गुस्से में ही गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या बात है। बुल्ली कहता है, हाँ हाँ बाबा क्या हुआ बताइए ना। तभी बाबा कहते हैं, क्या बताऊँ गुल्ली बुल्ली, मुझे सोन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जो मिठाई मैंने तुम दोनों के लिए लाया था वो सारी मिठाई सोन खा गया और अभी डांस करने में लगा है। गुल्ली कहता है, ये क्या बोल रहे हैं आप, इसका मतलब इस बार हमें मिठाई खाने को नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं, अरे नहीं गुल्ली बिल्कुल मिलेगी, मैंने ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है, मिठाई का बॉक्स आता ही होगा। बुल्ली कहता है, जब तक मिठाई का बॉक्स आ नहीं जाता तब तक क्यों ना हम लोग डांस करते हैं, चलिए ना बाबा बहुत मजा आएगा। सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। तभी रोड कहता है, बाबा हम लोग यहाँ डांस करने थोड़ी ना आए हैं, हम लोग तो यहाँ दिवाली मनाने आए हैं, चलिए ना चलकर पटाखे फोड़ते हैं। सारे लोग बारी बारी से पटाखे फोड़ने लगते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली तो स्काई शॉट फोड़ रहा है।